विराजमान हो जाओ इस हृदय में, हमको कर्तृत्व अभिमान से मुक्त कर दो, तुम कर्ता बन के खेलो इस हृदय से, इस हृदय को माध्यम करके तुम खेलो, अपना कर्म करो, तुम करा लो इस शरीर के द्वारा, तुम कर्ता बन जाओ। तो जब संत आ जाती है तो समझना प्रभु की कृपा बरस रही है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, दारासुत हरो लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। भवाप वर्ग भ्रमतां यदा भवित जनस्य तरच्युत सत्समागम, सत्संगम तलहि तदैव सद्गतो परावर्षितै जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते करते जब शुभ दिन शुभ समय का समावेश होता है तभी जाकर के संत मिलन होता है। तो ऐसे संत आए हैं हमारे द्वार पर हमको पवित्र करने के लिए, हमको कृपा करने के लिए। तो फिर आपके मुख से थोड़ा दो शब्द सुनना चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे अंतकरण को पवित्र करने के लिए। जैसे आपसे क्या गया, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री नारद जी भक्ति सूत्र में आदेश करते हैं भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन संत चरणों का आश्रय, संत चरण रज का आश्रय ही है। मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। वेदांत ग्रंथों में भी आज्ञा की गई चार प्रकार की भगवत कृपाओं में जो पहली है वो भगवत कृपा है, उसका परिपाक फल है संतों का दर्शन, महत्पुरुषों का भगवत प्राप्त महाविभूतियों का समागम। महत्पुरुषों की कृपा का लक्षण है अंतःकरण के समस्त संशयों की निवृत्ति, समस्त संदेहों की निवृत्ति। शास्त्रों का मर्म अंतःकरण में बुद्धि में भली प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाए, शास्त्रों का मर्म प्रतिष्ठित हो जाए उसके उपरांत चौथी कृपा है आत्मकृपा। फिर जैसा महापुरुषों ने आदेश किया है, जो उनका दिशा निर्देश है उसके अनुसार उसका पालन करते हुए भगवत भजन में प्रवृत्त हो जाए, किंचित मात्र भी देर न करे, क्योंकि जीवन का किंचित मात्र भी भरोसा नहीं है, कब श्वास उखड़ जाए। जीवन में इससे बड़ा और भगवान कृपा करके कुछ दे नहीं सकते। पूज्यपाद गिरिराज वाले बाबा जी भी आदेश किया करते, पंडित गया प्रसाद जी महर्षि, भगवान ने अगर कृपा करके संतों का समागम दिया, भजन की प्रवृत्ति दी, भजन के लिए अवकाश दिया, तो फिर इससे बढ़ के और वो कुछ और दे ही नहीं सकते, और कुछ उनसे मांग भी मत बैठना, अन्यथा उनको लज्जित होना पड़ेगा और कहाँ देंगे। बस भजन करें, भजन के लिए प्राप्त अवकाश का सदुपयोग विनियोग केवल भजन में ही करें, भजन के अतिरिक्त किसी और कार्य में न करें। पर बुद्धि तो माया के द्वारा भ्रमित होकर के बार बार पतन के पंख में पड़ती है महर्षि। आप संत कृपा न करें, आप दया न करें, तो भजन का सातत्य हो ही कहाँ पाता है। लगता है भगवान कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं, पर मर्म तो हृदय से प्रेम तो केवल संतजन ही किया करते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ भगवान के पीछे खड़े हुए महाप्रभु चैतन्य नजर आते हैं, श्रीनाथद्वारा में जाकर के आचार्य वल्लभ नजर आते हैं। ये आचार्य अगर करुणा और कृपा न करें, ये महापुरुष अगर करुणा कृपा न करें, तो जीव तो माया के द्वारा घसीटा जाएगा। बार बार निरंतर दिन रात परिश्रमित होते हुए भी, और जानते हैं कि जीव बार बार उनकी आज्ञा को नकारता भी है, फिर भी सतत निरंतर निरंतर ही पुकार पुकार के, बार बार सदुपदेश करके, अत्यंत स्नेह से माथे पे हाथ फेर करके, अत्यंत मधुरिम वाणी से भी, और तो और अपमान और तिरस्कार भी सहन करते हुए, जैसे नित्यानंद प्रभुपाद ने जगाई और मधाई का उद्धार किया, वैसे ही तिरस्कार सहन करते हुए भी निरंतर जीव मात्र के कल्याण के लिए गुहार लगाते रहते हैं, पुकार करते रहते हैं। सच्ची बात है,
भगवान का दर्शन संसार में संतों के रूप में ही हुआ करता है, इन महत विभूतियों के रूप में ही हुआ करता है। इसलिए श्री भगवान भी स्वयं बार बार कहते हैं कि संत संसार में मेरा स्वरूप ही है। जीव मात्र के उद्धार के लिए भगवान का अवतार इस रूप में हुआ करता है। अत्यंत भाग्य महापुरुषों के दर्शन इस ब्रजभूमि में आज भी भगवत प्राप्त महाविभूतियों के दर्शन नेत्रों को हो पा रहे हैं। घनघोर कलिकाल में भी भगवान जिनको अपनी गोदी में विराजमान रखते हैं, जिनके हृदय में निरंतर विराजमान रहते हैं, उनका दर्शन करने से और ये बात यहाँ आकर के हृदय में अनुभव होती है, पाप पंक समूल निवृत्त हो जाता है। हृदय की गति में जो परिवर्तन होता है, भावनाओं में जो परिवर्तन होता है, जो सात्विक परिवर्तन यहाँ संतों का दर्शन करने से प्राप्त होता है, सच्ची कह रहे हैं भगवत विग्रहों का दर्शन करने से भी उतना परिवर्तन अनुभव नहीं होता जो महापुरुषों का दर्शन करने से, उनके विग्रहों का दर्शन करने से होता है। निरंतर ऐसी कृपा बनी रहे। क्या कहें महाराज जी, आपके आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ उद्दंडता की। श्री चरणों में वंदन। बाबा के श्रीमुख से अति सुंदर, अति मनोज्ञ, अति कल्याणकारी शब्द सुनने में आया। बहुत सुंदर। जब संत दर्शन होता है तभी जा करके भगवत कृपा प्राप्त होने का मार्ग मिलता है। तो बाबा यही संदेश दे रहे हैं सबको, जब संत समागम होता है तो आदर से उस समय का व्यवहार और संत के वाणी, संत के निर्देश अनुसार आगे चलने के लिए प्रयत्न करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके आगे चलने का प्रचेष्टा करना चाहिए। यही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है। बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत सुंदर। आज हमारे रामकृष्ण पंडित बाबा के पुण्य तिथि उपलक्ष्य में थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा दो शब्द कहने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज के दिन ब्रज के विशेष प्रसिद्ध संत, गौरिया संत रामकृष्ण पंडित बाबा इसी दिन शरीर शांत होकर के नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। बाबा का जन्म हुआ राजस्थान में जयपुर के पास कोई गांव में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। नाम था राम प्रताप मिश्र, पीछे रामकृष्ण पंडित बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो जन्म से ही ऐसे से पूर्व संस्कार, ये जन्म जन्म का संस्कार थी, एक दिन का मामला नहीं है, ये तो पूर्व पूर्व जन्म के जो संस्कार लेकर के जीव जन्म लेता है, एक जन्म का मामला नहीं है। कोई देखा जाता है बचपन में ही ऐसे शुभ संस्कार, शुभ प्रवृत्ति वृद्धावस्था में ऐसे देखने में आता नहीं है। वृद्धावस्था में भी बहुत देखने में आता है, उनके अंदर भोग स्प्रिया, भोग लालसा, भगवत बहिर्मुखता, ये सब प्रबल देखने में आता है। बहुत समझाने से भी समझते नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं। ये क्या है, कारण क्या है? कारण है संस्कार, पूर्व पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के जीव जन्म लेता है। हमारे पास एक बच्चा आता है, कहाँ से है, छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल उम्र होगा, क्या भाव, रो रो के हमसे कहते हैं बाबा ऐसे कृपा करो हम सब छोड़ छाड़ के बरसन आ जाएं। बरसने में आकर के हम बोले बरसन आओगे तुम रहोगे कहाँ, नहीं राधारणी के सीढ़ी में पड़े रहेंगे, राधारणी के सीढ़ी में पड़े रहेंगे, बाबा हमको कृपा करो हम छोड़ छाड़ के कब आएंगे राधारणी के चरण में, बरसने में हम कब आएंगे। है देखो कैसे संस्कार, कितना छोटा उम्र है जो नृत्य करता था यहाँ, ऐसे है संस्कार, ऐसे शुभ संस्कार लेकर, प्रबल संस्कार लेकर के आए हैं रामकृष्ण पंडित बाबा। जन्म से ही उनके ये संस्कार, जो शुभ संस्कार, पूर्व जन्मार्जित जो मंगलमय संस्कार दिखने में आया, हरि भजन में रुचि, हरि कथा में रुचि, हरि चिंतन में रुचि,
अल्प उम्र में ही पितृवियोग हो गया, 8 साल उम्र में पितृवियोग हो गया। उनके पिता थे रामानंदी संप्रदाय के संत और बहुत उच्च कोटि के संत थे, राम जी का दर्शन भी प्राप्त किए हैं। और उनके माता थी वल्लभकुली संप्रदाय के, लेकिन रामकृष्ण पंडित बाबा वहाँ निश्चयानंद भट्ट नाम के एक संत रहते थे वहाँ जयपुर में। वो बहुत पंडित थे, अनुभवी थे और संगीतज्ञ थे, माने सर्व सद्गुण संपन्न, सर्व सद्गुण संपन्न, समस्त गुणवत्ता उनमें दिखने में आता है। तो उनके सान्निध्य में रह करके जाते थे ज़्यादा, बहुत प्रेम करते थे। निश्चयानंद भट्ट जो है बहुत प्रेम करते थे, और वो जो निश्चयानंद भट्ट थे वो थे वृंदावन के नित्यानंद बाबा, सिद्ध बाबा नाम प्रसिद्धि है वृंदावन में, गौरिया संप्रदाय के उनके शिष्य थे। तो जैसे संग ऐसे रंग, अब गौरिया संप्रदाय के ऐसे परम संत, परम प्रतिष्ठित संत हैं, भक्ति मार्ग में जिनके बहुत अनुप्रवेश है, अनुभव सिद्ध एक ऐसे दिव्य संत थे निश्चयानंद भट्ट जी, उनके सान्निध्य में रह करके उनके मन में हरि भजन में और तीव्रता दिखने में आया। सोचे हैं हम भी दीक्षा लेंगे, ऐसे परम संत, ऐसे परम संत जो है इनके भीतर ऐसे सद्गुण के ऐसे प्रकाश, ऐसे भगवत अनुभूति के ऐसे प्रकाश, तो इनके गुरुदेव ना जाने कैसे संत हैं। तो दीक्षा लेना है तो ऐसे सद्गुरु के सान्निध्य में जा करके ही दीक्षा लेना औचित्य है, जान करके मन में संकल्प किए हैं हम वृंदावन जाएंगे, जा करके हम नित्यानंद बाबा से दीक्षा लेंगे, ऐसे मन में संकल्प किए हैं। तो रामकृष्ण पंडित बाबा मैंने राम प्रताप मिश्र, उनके सान्निध्य में रह करके हरि भक्ति में उनकी विशेष उन्मेष आया, विशेष प्रकाश दिखने में आया। आप मन ही मन में सोचे हैं कि आप घर छोड़ेंगे, घर छोड़ के हम जाएंगे, लेकिन माता विद्यमान है तो रहना पड़ा। तो उसी समय 9 साल उम्र में ही पाणिनी व्याकरण अध्ययन किए, फिर न्याय शास्त्र आदि समस्त शास्त्र अध्ययन किए हैं, समस्त शास्त्र में निपुण हो गए हैं। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार जातो, तो सबके लिए ऐसा संभव थोड़ी होता है। अल्प उम्र में 13 साल उम्र में ही समस्त शास्त्र में निपुण हो गए हैं। फिर आप उनसे रहा नहीं गया, आप सोचे हैं कि हम जाएंगे घर छोड़ के, आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में जा करके अब दीक्षा लेकर के हम भजन करेंगे, हम भी भजन अनुष्ठान करके हम भी राधारानी के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करेंगे, ऐसे तीव्र लालसा लेकर के अब जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उपनयन संस्कार भी हो गया, उपनयन संस्कार के समय उनको उनके जो कुलगुरु उपदेश किए हैं, तुम गायत्री मंत्र सावित्री मंत्र में तुम पुरस्चरण करो, तो सावित्री मंत्र में पुरस्चरण करने से सावित्री देवी आकर के उनको दर्शन दिए, दर्शन दे करके आदेश किए हैं तुम जाओ वृंदावन जाओ, वहाँ जा करके तुम्हारे समस्त वस्तु, तुम्हारी समस्त इच्छा जो है तुम्हारी पूर्ति होगी, वहाँ वहाँ तुम चले जाओ। तो माता को कुछ कह रही, सब कुछ परित्याग करके वृंदावन चले आए हैं, आकर के गोविंद मंदिर, वर्तमान वृंदावन में गोविंद मंदिर, वहाँ गोसाई जी थे उनके सान्निध्य में रह करके, वहाँ बड़े बड़े पंडित थे, और सभी देखते हैं जो ये बहुत एक दिव्य सद्गुण संपन्न, एक सद्गुण संस्कार लेके आए हैं, बड़े आदर करके उनको सबको ये अपने शिक्षा देते हैं। तो वहाँ एक गोसाई के सान्निध्य में रह करके षट संदर्भ अध्ययन किए, श्रीमद् भागवत अध्ययन किए, फिर तुम्हारा गोविंद लीला अमृत कंठस्थ किए, अल्प उम्र में ही एकदम समस्त शास्त्र में एकदम
ज्ञान प्राप्त करके परिपक्व दशा प्राप्त हो गए एकदम। फिर जा करके नित्यानंद बाबा जो सिद्ध बाबा वो जो नृसिंहानंद भट्ट जी के गुरुदेव थे उनके चरण सान्निध्य में जा करके निवेदन किए, प्रभु हमको संसार सागर से आप मुक्त कीजिए, आपके सान्निध्य में आकर के हम आप चाहते हैं संसार चक्र से मुक्त हो जाए, हमको ऐसा कृपा कीजिए। तो बालक का ये आरती देख करके, आग्रह देख करके, उत्कंठा देख करके बाबा का मन बहुत नरम हो गया, तो उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए, तत्सहित वेश भी दिए हैं, वेश परिवर्तन भी कराए हैं। वेश परिवर्तन करके मतलब जाओ आप तुम भजन करो जा करके। तो वो पहले जो नृसिंहानंद भट्ट जी के सान्निध्य में रह करके कीर्तन में बड़ी रुचि थी उनकी, तो कीर्तन कंठ में बड़े आग्रह, बहुत अच्छे सुरेला कंठ, तो आए हैं बरसाना में भजन करने के लिए। बरसाना में जब आए हैं, यहाँ रहते थे एक बाबा, अच्छा कीर्तन करते थे, तो पूर्व संस्कार हो जाएगा कहाँ, तो वो भी सोचे हम भी थोड़ा सा लीला कीर्तन आदि ये थोड़ा सा सीखेंगे तो अच्छा होगा, कीर्तन करेंगे। लेकिन हमारे शास्त्र में है जो बहुविद्या कलाभ्यास व्याख्यान वर्जिवे, निषेध है बहुविद्या कलाभ्यास, ये साजा बाजा सीखना, हारमोनियम ये सब, हाँ जितना है तुम भगवत भजन करो, तुम भजन करो, लेकिन ये नहीं तो कलाभ्यास हम अच्छा बजैया बनेंगे, हम अच्छा सुगंठ गायक गायक बनेंगे, ऐसे नहीं बोलते, ये उचित नहीं है। कलाभ्यास विद्या बहुशास्त्र अध्ययन लोकरंजन के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए बहुशास्त्र कला इत्यादि सब अभ्यास करके समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त होने का एक आशा, ये सुप्त आशा जो है ये तो बहुत खतरनाक है। महापुरुष सब जानते हैं, इसीलिए महापुरुष के सान्निध्य में रह करके भजन करना ही उत्तम है। स्वतंत्र हो करके जीव समझ नहीं पाता है हमारे अंदर कमी क्या है, कौन सा कमी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण भी कहते हैं, जब तक तुमको भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक गुरु सान्निध्य में रह करके भजन करना, गुरु सेवा में रह करके भजन करना। महत् सेवायांग दार महुर विमुक्ते स्तमदार जो चित संग संग, महत् सेवा महत्पुरुष की सेवा ऐसे कहे हैं ना। तो कभी कभी साधक समझ नहीं पाते हैं, हम जैसे साधक, साधक ऐसे उम्र होने से वो परिपक्व अवस्था नहीं, परिपक्व तो आत्मा का होता है, शरीर का थोड़ी होता है। केश पक गया, वृद्धावस्था आ गया और हम भजन में परिपक्व दशा प्राप्त हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। एक बच्चा भी परिपक्व होता है और एक वृद्धावस्था में भी दिखा जाता है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां रहती है जो वो समझ नहीं पाता है। उम्र से प्रवीण होने का कारण कभी कभी अहंकार आ जाता है, हम बहुत पुराने संत हैं, हम तो बड़े परिपक्व अवस्था में पहुंच गए हैं, ब्रज में इतना साल बाद भजन कर रहे हैं, यह अहंकार आ जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं, परिपक्वता होती है अंतर जगत का, शरीर का नहीं। इसलिए ऐसा नहीं जो अवस्था के परिवर्तन से तुम समझ जाते हो जो हम परिपक्व अवस्था में पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है, महत् सान्निध्य में रहना चाहिए। इसलिए हमारे कौरिय संप्रदाय में कहते हैं, आश्रय लोइया भजे तारी कृष्ण नहीं तेजी आर सब मर्य कारण। आश्रय लेकर के छोटा बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता तब तक माता पिता के आश्रय में रहना चाहिए। उस समय उसको बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए, उसका मन जो चाहे करने दो, अवश्य वो बच्चा बिगड़ जाएगा, ये वो जानता नहीं है ना। साधक अवस्था में भी साधक अगर सोचे कि हम तो उमर हो गया, हम तो अब कोई बात नहीं, अकेला रहेंगे, एकांत रहेंगे, एकांत भजन करके हम अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, ये स्वप्न नहीं देखना। महत्पुरुष के सान्निध्य में रहो, अनुगत होकर के भजन करो, अनुगतमय भजन है हमारा, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं।
है ना। तो साधक स्वतंत्र होना उसके लिए कभी कभी विघातक हो जाता है, एकांतता कभी कभी उसके लिए भारी विघातक हो जाता है। परिपक्व अवस्था में ना पहुंचने के कारण अगर वो एकांत में जाकर के भजन करना चाहता है, वो एकांतता कभी कभी उसका विनाश का कारण हो जाता है। जो परिपक्व दशा में पहुंच गए वो तो सामर्थ्य है, उनके लिए कोई बात नहीं है। तो आए हैं वृंदावन में आकर के रामकृष्ण पंडित बाबा, वो संत के सान्निध्य में आकर के उनके मन में इच्छा हुई कि हम कीर्तन सीखेंगे। तो कीर्तन सीखना शुरू किया है। गुरुदेव कहें जाओ भजन करो जा करके, भजन के नाम से आ करके, ये भी अच्छा है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कीर्तन करना अच्छी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है जो तीव्र भजन करेंगे उनके लिए ये विद्या कलाभ्यास ये सब वर्जित है। कभी कभी ये जो अध्ययन विद्या जो तीव्र भजन करेंगे, जो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे, ऐसे साधक के लिए ये अध्ययन भी माना है, अध्ययन भी माना है। अध्ययन करके तुम क्या सीखोगे, क्या प्राप्त करोगे? अहंकार बढ़ेगा, अध्ययन से अहंकार बढ़ेगा। अपना कल्याण के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अपने को मानने के लिए एक ब्लेड का टुकड़ा ही काफी है, यहां से थोड़ा हिला दो हो जाएगा, लेकिन दूसरे को मानने के लिए ढाल तलवार बहुत कुछ चाहिए। तो दूसरे को शिक्षा देने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होता है, लेकिन अपना ज्ञान के लिए ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं। हमारे चैतन्य चरितमृत क्या कहते हैं, ना अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। बस गुरुचरण में एकांतिक निष्ठा लेकर के गुरु जैसे कहते हैं ऐसे करो, बस इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तद अतिरिक्त अगर तुम स्वतंत्र बुद्धि प्रयोग करके अपने कल्याण के लिए स्वतंत्र होकर कुछ करना चाहते हो, इसमें कभी कभी गलत राह पर चला जाता है, साधक समझ नहीं पाता है। मैं अपने जीवन के अभिज्ञता से मैं कह रहा हूँ। आचार्य की ग्रंथ या गीता भगवत या ग्रंथ पर कभी 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 होता नहीं है, समझ नहीं पाता है। इसलिए भगवान गीता में कहे हैं तेषांग सततयुक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है, उस बुद्धि मैं देता हूँ। कब देता हूँ? न तेषांग सततयुक्तानां, हर समय हमसे युक्त रहते हैं, हर स्थिति में प्रभु की तरफ ध्यान रख करके समर्पित होकर के जो उपासना करते हैं तो प्रभु उसको बुद्धि देते हैं। भक्ता भगवतम ग्राह्य न बुद्ध न चटी कया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, ना बुद्धि के द्वारा न टीका पढ़ करके। टीका पढ़ करके भी सही मार्ग निरूपण करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? धर्म से तत्यंग निहित गुहायंग महाजन जैन गतस्य पंथा, धर्म के मार्ग बहुत कठिन है, गुहा में छुपा हुआ है, तुम कहाँ निरूपण करोगे, कहाँ तुम मार्ग सही मार्ग निरूपण करके निकाल करके तुम स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा तुम पहुंच जाओगे, ये संभव नहीं है। ना महाजन जैन गतस्य पंथा, हमारे आचार्य जिस मार्ग अवलंबन करके आगे बढ़े हैं, भगवत प्राप्ति किए हैं, तदनुसार ही तुमको चलना पड़ेगा, है ना बाबा। निजी स्वाध्याय के लिए लीला ग्रंथ, स्वाध्याय तो करना चाहिए, स्वाध्याय तो भक्ति का एक अंग है, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, लेकिन अपने सजातीय भक्ति विषय ग्रंथ, विजातीय नाना प्रकार नाना ग्रंथ पढ़ रहे हैं सभी हैं जानने, वो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ये तो अध्ययन, ये तो निर्देश है, तो करना चाहिए स्वाध्याय, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। तो ये खबर पहुंच गया है नित्यानंद बाबा के पास, सिद्ध बाबा के पास पहुंच गया है, जो रामकृष्ण इस तरह से वर्षा में जाकर के कीर्तन सीख रहे हैं, भजन में उनका कमी आ गई, पहले जैसे भजन निष्ठा है नहीं, तो नित्यानंद बाबा बुलाए हैं, बुलाओ रामकृष्ण को बुलाओ। खबर आया वर्षा में गुरुदेव बुला रहे हैं, तो गुरुदेव बुला रहे हैं चलो वृंदावन गए हैं, तो गुरुदेव बहुत फटकर लगे हैं, तो वहाँ जाकर विद्या कलाभ्यास शुरू कर दिए हो,
सुने हैं, तुमको भजन करने के लिए हमने भेजा और तुमने भजन छोड़ करके ऐसे कला अभ्यास शुरू कर दिया, कीर्तन आदि ठीक है, भजन करो ना, नाम कीर्तन करो ना, मना थोड़ी है, लेकिन एक कीर्तन कला अभ्यास जिसके द्वारा तुम मनोरंजन करोगे, इसका फल क्या है? तुमको मनोरंजन करना है, मनोरंजन करने से क्या मिलेगा? लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा। लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो ये तो खतरनाक बाधा है साधक के लिए, कामिनी कांचन उतना हानिकारक नहीं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जितना हानिकारक है ना। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत, तीन को त्याग करके हरि भजन करना है ना। तो क्षमा जाचना किए तो मैं क्या करूं, बोले जाओ भजन करो, तीव्र भजन करो। तो आए हैं फिर बरसाना में, बरसाना में आकर के उद्धव क्यारी में जाकर के अनुष्ठान किए हैं, पुरस्चरण किए हैं, गोपाल मंत्र के पुरस्चरण किए हैं। पुरस्चरण करने से 17 दिन में ही साक्षात ठाकुर जी जुगल किशोर उनको दर्शन दिए हैं, दर्शन दे करके उनको कृतकृत्य किए हैं। फिर ठाकुर जी आदेश किए हैं, जाओ तुम यहाँ से जा करके राघव पंडित के गुफा में जा करके भजन करो। तो गोवर्धन पुष्णी में राघव पंडित की गुफा है, वहाँ चले गए। वहाँ जा करके वो जंगल था, बहुत भयंकर जंगल था उस समय, गुफा में रहते थे, 3 दिन पीछे पीछे निकलते थे, खाना पीना कुछ नहीं, 3 दिन पीछे कभी माधुगुरी करके कभी कैसे कैसे गुजारा करते थे, भगवान जाने इस विषय में कुछ सुस्पष्ट कुछ मिलता नहीं है, क्या किस तरह से निर्वाह करते थे। 3 दिन पीछे पीछे निकालते थे, गुदड़ी पहनते थे। तो जयपुर से उनकी माँ सोचे हैं बेटा हमारे कैसे हैं, घर छोड़ के तो चला गया, एक ही मात्र बेटा है, बड़ी तीव्र लालसा लेकर के स्नेहमयी माँ, माँ की स्नेह जो है तीव्र है, आए हैं वृंदावन में ढूंढते 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 आए हैं, खबर पाके आए हैं राघव पंडित के गुफा में भजन करते हैं बेटा। बड़ी दर्शन लालसा लेकर तो माँ तो बैठी है, और बाबा तो भीतर गुफा, बहुत विशाल गुफा है, हम गए हैं देखे हैं भीतर बहुत विशाल, और अंतर्मना होके रहते थे, अंतर्मना स्थिति में तो बाह्य विषय तो अनुप्रवेश होता ही नहीं, क्योंकि भगवत साक्षात्कार जो प्राप्त की हैं उनका अंतर्दशा कैसी होगी, हम जैसे थोड़ी हैं, वो जो अंतर्दशा में सब कुछ बाह्य ज्ञान सब भूल जाते थे। तो 3 दिन पीछे जब निकले, बैठे हैं माँ बैठे हैं, देखे नहीं, उपेक्षा नहीं, वो तो अपना मस्ती में है, भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता, जब मन अंतर्मुखीन हो जाता है, अंतर्दशा में पहुंच जाती है, तो उस स्थिति में हमारे बहिरिंद्रिय वृत्ति जो है ये निष्क्रिय हो जाता है धीरे धीरे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध चक्षुकर्ण नासिका जीव तक, ये सब धीरे धीरे अपना निष्क्रिय हो जाता है। हम लोग कान के द्वारा सुनते नहीं, आँख के द्वारा देखते नहीं, ये सब मन के द्वारा, मन के साथ जब वो संयोग होता है इंद्रिय का, तभी जाकर के इंद्रिय सक्रिय होता है। इंद्रिय तो कर्मचारी, इंद्रिय कुछ करता नहीं है, मन ही करता है। जैसे भावना लेकर इंद्रिय का संयोग होता है, तभी जाकर के इंद्रिय उस तरह से विषय को ग्रहण करता है, इंद्रिय ग्रहण करता नहीं है, मन के द्वारा कर्मचारी है। ऐसे जैसे भावना ऐसे ही इंद्रिय वृत्ति होती है, और वही मन जब भगवत चरण में एक तल्लीनता तन्मयता आ जाती है, तो जाके हमारी जो ये बहिर् इंद्रिय वृत्ति है चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक ज्ञानेन्द्रिय है, ये धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, देख करके भी दिखता नहीं है, चल रहे हैं रास्ते में भगवत चिंतन में इतना तल्लीनता, कौन जा रहा कौन आ रहा कुछ दिखते नहीं हो आपने, क्या कौन क्या कह रहा है सुनता नहीं है, ऐसे है, खाने में कोई रस लगता नहीं है, क्यों इंद्रिय सब उस समय इंद्रिय वृत्ति जो है भगवत चरण में तल्लीनता के कारण
इंद्रियों से संयोग नहीं रहता है, जिस कारण खाने का टेस्ट नहीं होता है, ऐसे हैं। तो तभी जाके वैराग होता है। मन जितना भगवत चरण में तल्लीन होता है तभी जाके इंद्रिय वृत्ति जो है धीरे धीरे हमारे शिथिल हो जाता है और तभी जाके वैराग होता है। तो ऐसे ही तल्लीनता भगवत चिंतन में जा रहे हैं, गुफा से निकल करके पीछे मुड़ के देखने कौन बैठी है, और माँ देखते हैं बेटा जा रहा है, बेटा 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 सुनते ही नहीं, सुनेगा कहाँ से, मन तो इस जगत में है नहीं, निकल करके चल दिए। माँ पीछे पीछे चलते चलते थक गए, बेटा इधर से कहाँ से कहाँ चल दिए, बहुत दुखी हो गए, मिले नहीं। दुखी होके माँ तो चली गई फिर जयपुर में, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई जी, बेटा ने हमको उपेक्षा किया। बेटा उपेक्षा किया नहीं है, बेटा का इंद्रिय वृत्ति उस समय बहिर इंद्रिय के साथ कोई संयोग नहीं, हो तो अंतर जगत में प्रवेश कर गए ना, इधर भजन में बाधा आ गई, अपराध। माता पिता गुरु है, माता पिता को उपेक्षा करके कोई अगर भजन करना चाहता है अपना सहज नहीं, माता पिता को प्रसन्न करना जरूरी है, ये नियम है। हमारे आचार्य जी के जीवन चरित्र हम लोग जब देखते हैं, हर एक आचार्य जी के जीवन चरित्र में देखते हैं ऐसे माता पिता का सेवा किए हैं। बोलो, दुष्ट स्वभाव यदि माता पिता का हो, देखो भागवत में तो कहे हैं वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो बंधु बंधु नहीं है, जो भगवत भजन में बाधा देती है वो तो मान्यता नहीं, लेकिन एकदम उपेक्षा नहीं, वो तो मानना नहीं है, भजन तो हम करेंगे लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे माता पिता को प्रसन्न रखना है, समझाएंगे और कोई दूसरा कोई उपाय अवलंबन करेंगे, लेकिन एकदम उपेक्षा नहीं, माता पिता है ना, ये बात है। अपराध हो गया, अपराध के कारण भजन में बाधा आ गई, मन नहीं, वो स्फूर्ति दशा नहीं, जैसे मलिनता आ गई, जैसे भजन से हम बहुत दूर हट गए हैं मन हमारा, इसलिए गुरु अपराध संत अपराध ये बहुत खतरनाक है। माता पिता गुरु है, ऐसे ही भजन में बाधा है, नाम अपराध, संत अपराध, संत के चरण में अपराध हो जाए तो वो भी बाधा आ जाती है, भजन से मन हट जाता है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपरी छिंडता सुखी जाए पाता, ताहे माली जत्न करी करे आवरण, अपराध होस्ती जैसे नहाय उद्गम। अपराध संत अपराध, संत अपराध छह प्रकार होता है, हंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदती क्रुद्धते जाति नहर्षं दर्शन पतनानि षट। ये छह प्रकार भजन में, भजन से मन हट जाता है, पतन हो जाता है, हंती प्रहार करने से, कोई वैष्णव को प्रहार करने से, निंदंती निंदा करने से, वैष्णव अनभिनंदती वैष्णव को अभिनंदन आदर सत्कार ना करना, वैदेष्टि मन में देश करना, हम कुछ कहते नहीं है लेकिन मन में हम उनके प्रति अनादर बुद्धि ईर्ष्या भावना, माने उनका भला हमको सहन नहीं होता है, मन में उनके प्रति अनादर बुद्धि जो ये है वैदेष्टि, इसमें भी अपराध होता है। हम आपको कुछ कहते नहीं है लेकिन मन से आपके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, आदर बुद्धि नहीं और आपका अकल्याण चाहते हैं, ये मन, ये दृष्टि बोले इसमें भी अपराध होगा, ऐसे संत जन ऐसा कहते हैं। वैदेष्टि वैष्णव, वैदेष्टि क्रुद्धते क्रोध करने से, बोलते कोई वैष्णव के ऊपर क्रोध प्रकाश करने से उसका 12 साल के भजन तत्क्षण नष्ट हो जाता है, 12 साल का भजन। ऐसे अगर हुंकार करके एकदम जैसे खा जाएंगे मार देंगे कोई वैष्णव के ऊपर, तो उसमें बोलते उसका 12 साल का भजन तत्क्षण नष्ट हो जाता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। जाति न हर्ष दर्शने, दर्शन मात्र आदर सत्कार ना करना ये अपराध है, दर्शन मात्र उनका आदर करो सत्कार करो बैठने दो,
इस विषय तो आलोचना का बहुत विषय है, अभी आगे नहीं जाएंगे। तो माता है ना, माता गुरु होने का कारण अपराध हो गया, अपराध के कारण भजन से मन हट गया। अब क्या करें, मन ऐसे, मन की ऐसी स्थिति आ गई, क्या करें क्या करें। बड़े बड़े संत के पास गए हैं, जो हमारे मन की स्थिति ऐसे कैसे हो गई, कौन सा अपराध के कारण हमारे ऐसे दुर्दशा हो गई। तो बड़े बड़े संत कहते हैं कोई कोई ऐसे गुरु अपराध, कोई संत अपराध कहीं हो गया। तो खबर तो लिए हैं, जब माँ आए थे, माँ का आदर नहीं किए हैं, जो हैं ऐसे माँ थोड़ा संतुष्ट हो गए हैं, आई थी हमसे मिलने के लिए, लेकिन तो बोलता हूँ ही अपराध हो गया। तो क्या करें, बोलते माँ को बुलाओ, माँ को प्रसन्न करो। फिर चिट्ठी देकर के माँ को बुलाए, पुश्री में एक घर लेकर के भजन छोड़ के माँ की सेवा की बहुत दिन तक, भजन छोड़ दिया माँ की प्रसन्नता के लिए हैं। उसके बाद माँ अल्प दिन में ही शरीर तक के नित्य धाम चले गए, तब उसके बाद उनके मन प्रसन्न हो गया, फिर जाके भजन में वही तीव्रता, वही तल्लीनता, वही तन्मयता। ये तो लोक शिक्षा के लिए, ऐसे कभी कभी भगवत इच्छा से ऐसे होती है, क्योंकि ऐसे आचरण के द्वारा हम लोग उनको सचेत करते हैं, हम लोग उनका जो कमी दिखाते हैं, इस तरह से तुम भी सावधान होना, ऐसे नहीं भजन करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो लेकिन ये कमी को कहाँ पर हमारे भजन अटक रहा है, इस विषय पर सावधानी से विचार करके तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भजन ऐसा थोड़ी है, थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा नाम कर लिया, बस तुम पहुँच गया, ऐसा थोड़ी है। उसके बाद रामकृष्ण पंडित बाबा ग्वालियर के राजकुमार थे, बलवंत सिंह, वो सुने हैं जो बड़े संत महात्मा रहते हैं पुश्री में, तो चलो उनके पास वो आए हैं, जो हमारे माँ ने 14 लाख रुपया रखा है, ये तो सेवा में देना है, हम चाहते हैं आपकी सेवा के लिए देंगे, तो पहले तो आप हमको दीक्षा दीजिए, हम चाहते हैं आपसे दीक्षा लेंगे। देखो आजकल तो हम जैसे गुरु चेला बनाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उसको कितना रकम प्रभावित करते हैं, और पैसा आला हो तो कोई बात नहीं, उनको तो पहले ही हैं वो कहीं बाहर ना जाए, चेला बनाएंगे उनको, ऐसे हमने दुर्दशा ना हम जैसे साधक का, लेकिन कैसे हैं बोले ना, हम दीक्षा नहीं देंगे। तो उनको चरण पकड़ के रोना शुरू किए हैं, महाराज कैसे भी हो हमको शंकर सागर से पार लगा दीजिए। बोले नहीं, आपको हम उपदेश कर सकते हैं लेकिन ये दीक्षा हम नहीं देंगे, हमारे उतना सामर्थ्य है नहीं। ऐसे बड़े बड़े संत, अनुभवी संत पहुँचे, संत दीक्षा देना नहीं चाहते हैं, हम लोग उनको अंदर, हम जैसे संत कुछ तो है ही नहीं, फिर भी चेला बनाते हैं, क्या वस्तु देना चाहते हैं उसका खबर नहीं, क्या दोगे तुम, जो वस्तु तुम देना चाहते हो तुम्हारे पास है, तुमको मिल गया, तो मिला नहीं तो क्या दे रहे हो तुम, प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह। चेला बनाते हो तो उसका कल्याण करना चाहते हो ना, क्या दोगे तुम, है वो वस्तु तुम्हारे पास है, तुमको मिल गया, मिला नहीं तो तुम कैसे, तुम चेला बना रहे हो तो क्या दोगे उसको, एक शब्द, ये तो किताब में मिल जाएगा, दिया नहीं, दीक्षा दिया नहीं। फिर दूसरा जगह से बोले फलाना जगह जाओ, जा करके दीक्षा लेके आ जाओ, इस तरह से। फिर बोले तो बाबा ये 4 लाख रुपये आप लो, ये 4 लाख रुपये का गहना, ये हम 4 लाख रुपये उस समय, अभी से मान लो कितना 100 साल पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है, हमारे गुरुजी भी थे उस समय, 6 साल पहले की बात है। बोलते नहीं ये हम नहीं लेंगे, ये सब कर्म हमसे होगा नहीं, हम लोगों ने तो पहले ही ले लेते, पहले देव 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 कितना काम करेंगे, कितना करना है, उस समय शिवा भी बढ़ जाता है, आश्रम करेंगे, मंदिर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे,
अरे ये बाधा छोड़ के कुछ नहीं, इसमें कुछ कल्याण होता नहीं है, निषेध है। जोगी मठ मंदिर निर्माण नहीं करेंगे, ये भगवत में निर्देश है। जो त्यागी साधु है वो मठ मंदिर निर्माण नहीं करेंगे, ऐसे निषेध है। गृह आरम्भा ही दुखाय, अगर आरंभ करोगे तो तुमको दुख पाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सनातन का रूप सनातन आदि रूप गोस्वामी गोविंद मंदिर बना दिए हैं, मानसिंह ने अकबर राजा के जो मंत्री थे मानसिंह बनाए हैं। जब देखें इतना वैभव आ गया, हे भगवान तुम्हारे रहने के लिए मंदिर सोने का मंदिर बन जाए, हमसे हमारे क्या उसमें फर्क पड़ता है, खूब बनाओ। लेकिन प्रभु हमको, हम तो वैरागी हैं, हमको तो ऐसा होना संभव नहीं है हमारे द्वारा। दंडवत प्रणाम करके सीधा चले गए, हम दूसरा हाथ में शिवा अर्पण करके चले गए सीधा रूप गोस्वामी पास। कहाँ चले गए? टेर कदम एकांत जंगल में, गोवर्धन नंदगाम में, टेर कदम में जंगल में एकांत भजन करते थे। सनातन गोस्वामी पाद वो वृंदावन है ना, मदन मोहन जमुना किनारे बड़ा मदन मोहन देखता है ना, वो मदन मोहन स्थापना करके वो भी हाथ जोड़ करके, हे मदन मोहन प्रभु हम तो बैरागी हैं, ये तुम्हारा सेवा, बस तुम देखो हम चलते हैं। सीधा चले गए हैं पावन सरोवर से होकर के, सीधा चले गए गोवर्धन, गोवर्धन मानसी गंगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधारमन मंदिर निर्माण करके सेवा समर्पण करके दंडत करके कहाँ चले गए हैं? संकेत, वहाँ पर संकेत जंगल में भजन करते, ऐसे दिखाए हमारे आचार्य ने। जो गृहत्यागी है वो मठ मंदिर निर्माण नहीं करेंगे ना, ऐसे हाँ करो करो तुम लोग करो, लेकिन हम नहीं, ऐसे। तो इस तरह से बोले हैं तुम इसको सेवा करो, वृंदावन जो दुष्ट साधु है उनकी सेवा करो। तो वो राजा ने क्या किए हैं, वो रुपया बैंक में रखे हैं, उसका जो इंटरेस्ट होता था उस इंटरेस्ट नाम नाम से जितना संत थे उनको उस इंटरेस्ट सेवा करते थे प्रति महीना, ऐसे करके गए हैं। फिर जाके रहते थे वहाँ राघव पंडित के गुफा में, ठंडी मौसम में सिगड़ी है ना, सिगड़ी कोयला जलाते हैं ना, लकड़ी का कोयला जला करके उसमें गर्म के लिए थोड़ा सा जलाए हैं, जलना वलना तो कुछ है नहीं, गुफा है भीतर में कुछ है नहीं, कोई वेंटिलेटर है नहीं, वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं, वो जलाए हैं और ताप से क्या होता है ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म होने से मर जाता है, वो बचना मुश्किल है। तो ऐसे दम घुटना शुरू हो गया, अचेत हो गया। जब आँख खुला देखते हैं गुहा के बाहर पड़े हैं, मैंने कोई अदृश्य शक्ति उनको ले करके बाहर में रखे हैं, ऐसे उनको बचा दिए हैं। हमारा भी एक बार ऐसा हुआ था, एक बार भानुपुर में रहते थे आज से 45 साल लगभग पहले, वहाँ गुफा जैसे था एक घर में, वहाँ ऐसे ठंडी में अग्नि जलाया, अचानक दम घुटना शुरू हो गया, हमको पता नहीं था, दम घुटना शुरू हो गया, हार्ट बीट बड़ा तेज से बढ़ना शुरू हो गया, श्वास लेना कठिन हो गया, 4-5 दिन हमारा ऐसी स्थिति थी, बहुत खतरनाक मर जाता है स्थिति में। फिर जाकर के एक दिन गुफा में बैठे हैं तो एक सर्प आकर के, बड़ा सर्प आकर के ऐसे जपेट लिया, फिर भगवत कृपा से वो तो सांप तो चला गया। फिर आदरणीय आदेश किए तो आप ये जगह छोड़ करके तुम एक निरापद स्थान पर जाओ, जा करके तुम भजन करो। उसके बाद बरसाना आकर के मोरकुटी में रहे कुछ दिन, मोरकुटी से जा करके वहाँ वही कुसुम सरोवर के पास श्याम कुटी में बहुत दिन रहे, इस तरह से भजन किए। उसके बाद और बहुत सारे उनके जीवन चरित बहुत सुंदर है, काल हम लोग फिर आगे चलेंगे, आज पूर्ण होना संभव नहीं है, एक और भी कथा है बहुत सुंदर सुंदर जानने के विषय है, तो आज कथाएं विश्राम, काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राम।